यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 2014 में किसानों का समर्थन लेकर, गरीबों का समर्थन लेकर, युवाओं का समर्थन लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया। जी हाँ, कई उम्मीदें थी, लाखों उम्मीदें थी गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की। अब कितना खरा उतर पाए हैं मोदी, इसके लिए हमारे साथ चर्चा में आज खासतौर से मौजूद हैं अनिल आर्य जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और केवल ढींगना जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही प्रवीण अत्रे जी इनेलो से आते हैं। इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उम्मीदें इनको थी और किस तरह से इस बजट को ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनिल आर्य जी से। अनिल आर्य जी, क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया? देखिए ठाकुर साहब, ये बजट जो है लोगों की उम्मीदों पर बहुत ज्यादा खरा नहीं उतरा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को इससे थी जी। मुझे उम्मीद थी कि ये बैलेट बजट होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया तो अब ये बुलेट बजट की तरह आया है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें उम्मीदें नहीं है, कोई चीजें ऐसी नहीं मिली है। नहीं तो स्लैब चेंज किया गया है जो इनकम टैक्स का, जो बहुत जरूरी था। आज जो 2.5 लाख का स्लैब है वो बहुत ही कम है, और रक्षा के लिए भी बजट रखा गया है। जो आगे जो चीजें हैं, खासकर एग्रीकल्चर, इसके लिए 11 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। लेकिन 11 लाख करोड़ का बजट वो किस तरीके से खर्च करते हैं, किस मद में वो खर्च होगा, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टू पॉलिसी मेकिंग का सवाल है। बजट को आप केवल प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि नहीं, इसको आंका जाना चाहिए कि किसके लिए कितना बजट रखा है। ये चर्चा होनी चाहिए कि बजट पर किसको कितना खर्च किया गया है। आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं 2018 के बजट की, मुझे लगता है कि हमें 2017 के बजट पर भी चर्चा करनी चाहिए कि उस बजट में क्या था और उस जो बजट को इन्होंने कहां खर्च किया है। जैसे अभी हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का कल परसों बयान आया था कि अभी तक हरियाणा ने 50% भी अपना बजट, जो 1,25,000 करोड़ का इन्होंने यहां पेश किया था, उसका 50% भी खर्च नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि केवल सैलरियां दी हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम इस सरकार ने नहीं किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसी तरह बजट की जो चर्चा होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि ये बजट इन फ्यूचर कहां खर्च होगा। क्या आपको लगता है कि 2017 से बेहतर है 2018 का बजट? प्रथम दृष्टया उससे तो बेहतर नजर आता है, लेकिन किस तरह से वो खर्च होंगे ये सोचने वाली बात होगी। और ये लास्ट बजट नहीं है, पूरक लास्ट बजट है। एक बजट ये सरकार जो है और पेश करेगी, वो पूरक नहीं, अंतरिम बजट होगा, क्योंकि इसके उस बजट के बाद में इलेक्शन हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। तो एक बजट इनके पास अभी भी बाकी है, खासकर अभी 3 बड़ी स्टेटों का जो वो है इलेक्शन है, उसको जो है वो पॉलिसी मेकिंग के तहत उसमें बजट देते हैं। बहुत सारी योजनाएं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इकट्ठी आती है, फिर किस स्टेट में से उसको कितना दिया जाना है ये सरकार की, केंद्र सरकार तय करती है राज्यों की क्या रिक्वायरमेंट है इसको देखकर। तो मुझे लगता है कि बजट जो है वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं है, और मैं तो खासकर इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जी। तो अनिल आर्य जी के अगर हिसाब से देखा जाए तो उपेक्षाओं के जो मुताबिक बजट नहीं पेश किया गया। ढींगरा साहब के पास आएंगे। ढींगरा जी, आप कैसे देखते हैं, ये जुमलों का बजट था या फिर उम्मीदों का बजट था? नहीं देखिए, ये बिल्कुल जो है आपने जो फर्स्ट वर्ड बोला कि जुमलों का बजट है, और जुमलों की बात इन्होंने शुरुआत में जब इन्होंने एक वायदा किया था कि हम जो मीडियोकर लोग हैं इनकम टैक्स में उनको फौरी तौर पे 5 लाख रुपए उसकी राहत देंगे जी, बिल्कुल। तो 5 लाख की राहत देने की बजाय इन्होंने वही जो हमारे टाइम का जो 2014 का बजट था, 2.5 लाख रुपए जो थी इनकम की राशि, वही आज की डेट में भी वही सेम है। तो इन्होंने जो वायदे किए थे अपने, उस सारे वायदों के अंदर 5 साल के अंदर भी ये सरकार जो है 4th साल के बाद जाने लगा, तो अभी भी ये सरकार चस की तस वहीं पे ही खड़ी है और कोई फौरी तौर पे राहत नहीं दी है। जहां तक जीएसटी पेट्रोल और गैस की बात है, उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रख के उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो वैट का जो लगा रहे हैं, जिससे आम लोगों की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। जहां तक सभी और अदर अगर हम देखा जाए तो आज के बजट में जो राहत, जो एक अच्छा कार्य जो किया है वो इन्होंने ये काम किया है कि राष्ट्रपति की सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई है, और गवर्नर की और उपराष्ट्रपति की सैलरी जो है वो बहुत बढ़ा दी है। तो उसमें उनको बड़ी अच्छी राहत दी है इस सरकार ने, क्योंकि ये बड़ी एक उदाहरण की बात है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की सरकार ऐसे मान के रखती है, क्योंकि सरकार नजर नहीं, आम लोगों की सरकार कहां है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर जो राहत देते हैं 25% कर दिया, उसको 2.5 करोड़ से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसको कंपनी जो
है 2.5 करोड़ की ऊपर की टर्नओवर से जो उसको उसको 25% कर दिया, उसको राहत जरूर दी है, लेकिन जो जो गरीब आदमी है उसको कोई राहत नहीं, मीडियम वर्ग है उसको कोई राहत नहीं। और आप ये देखिए कि सभी लोग जितने लोगों ने इनको वोट दिया वो सभी को जस के तस और उसी तरीके से रखा है। उसका परिणाम आज आ गया, राजस्थान में 2 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती है और कोलकाता में भी तृणमूल कांग्रेस ने जो है विधानसभा की सीट जीती है, ये उसका परिणाम है। तो इशारा पहले ही मिल चुका है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले। तो हम आएंगे प्रवीण अत्रे सर के पास। सर, युवाओं का ये देश कहा जाता है, दिग्विजय चौटाला आते हैं, दुष्यंत चौटाला आते हैं, युवा नेता है, आपको क्या लगता है युवाओं को लुभाने की कोशिश की है? नौकरियों का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, 70 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है, वायदा तो मोदी साहब का हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का था। जी, हैरानी ये हुई है कि जब आपका आखिरी बजट पेश कर रहे हैं जी, तो आप बजाय 2 करोड़ जो आपका वायदा था पिछले 4 साल में आपने कुछ नहीं किया, और अब आप आज आके कहते हैं कि हम 70 लाख रोजगार देंगे। जी, उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जी देखिए, आज खुदरा मुद्रा स्फीति इस कदर बढ़ चुकी है कि महंगाई से हर इंसान त्रस्त है। जी, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट में कुछ ऐसा आएगा जिससे महंगाई पे अंकुश लगेगा, लेकिन शिक्षा पे जिस तरह से सेस बढ़ाया गया, और जब आप सेस बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका उससे महंगाई बढ़ती है। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल को उम्मीद थी कि वो जीएसटी के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं सस्ता होगा और महंगाई पे कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे हैरानी की बात जो यहाँ पे होती है, वित्त मंत्री जी ये कहते हैं कि रबी की फसल का 1.5 गुना दाम हम दे रहे थे, मुझे तो हैरानी है वित्त मंत्री इस तरह का बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आज किसान इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है कि उसको अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर हम कोस्ट प्राइस कमीशन की बात करें, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बताता है 1994 रुपए, जबकि गेहूं की एमएसपी की बात करते हैं तो वो डिसाइड होती है 1525 रुपए। तो पहले से ही कॉस्ट से कम रेट तो पहले दे रहे हो, और आप बात करते हो हम 1.5 गुना दे रहे थे, ये भी एक झटका, और एक तरह से मैं तो कहूंगा कि ये तो झूठ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है सरकार। बाकी क्या कुछ इसके नतीजे निकलेंगे वो तो चुनाव बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।